नमस्कार, आप सबका स्वागत करती हूँ हंगा कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा मसाला। कोरमा मसाला के लिए जो जो मसाले लिए जाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 8 से 10 लौंगे हैं, ये 8 छोटी इलायची हैं, ये 12-15 काजू के टुकड़े हैं, ये 3 चकली के फूल हैं, 15-20 काली मिर्चें, 2 चम्मच शाही जीरा, ये दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं, और ये बड़ी इलायची है, और ये जावित्री के फूल हैं जो टूटे हुए हैं, ये 20-22 लाल मिर्चें हैं, ये 4 चम्मच हम धनिया लेंगे। ये सारा मसाला हमारे 2 से 3 बार कोरमा हम कोई भी बनाते हैं, जैसे चिकन कोरमा है, मटन कोरमा है, पनीर कोरमा है, या जो भी कोरमा, गोभी कोरमा है, जो भी कोरमा हम बनाते हैं उसमें ये 3 से 4 बार इस्तेमाल हो जाएगा। ये जितना मैंने मसाला बताया है ये 3 से 4 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप कोरमा बनाएं, चाहे मटन कोरमा बनाएं, चाहे चिकन कोरमा बनाएं, चाहे पनीर कोरमा बनाएं, या गोभी है, XYZ जो भी कोरमा बनाते हैं उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पे हमने पैन रख लिया है, उसमें हम सबसे पहले धनिया और मिर्ची डालेंगे। ये सारा ही मसाला हमको रोस्ट करना है। और साथ में ही काजू डाल देंगे। और बड़ी इलायची डाल, पहले इस सब को 2 मिनट कर लेंगे, बाद में बाकी मसाले ऐड करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब हम बाकी मसाले भी मिला देंगे। सभी मसालों को बिल्कुल स्लो आंच पे भूनिएगा। अब लास्ट में हम 2 चम्मच खसखस डालेंगे। खसखस बहुत जरूरी है। वैसे तो कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप किया जा सके, क्योंकि जब तक मसाले परफेक्ट नहीं होंगे आपका कोरमा मसाला अच्छे से नहीं बनेगा। ये लीजिए, मसाला हमने बिल्कुल पीस के तैयार कर लिया, बहुत ही फाइन पीसा है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट मसाला होता है। इससे कोई भी सब्जी आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।